मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे और इसलिए उनको उपचार के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त की रात अरविंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के बेटे सतलज ने इस बात की जानकारी दी थी। हालांकि बाद में भी खुद राहत इंदौरी ने अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी और उन्होंने लिखा था, कोविड के शुरुआती लक्षण देखने पर मेरा टेस्ट किया गया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एडमिट हुआ हूँ, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। और एक और इल्तिजा, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें, मेरी खैरियत ट्विटर या फेसबुक पर ही आपको मिलती रहेगी। वे कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। डॉक्टर राहत इंदौरी देश नहीं दुनिया के बड़े शायर थे और उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई बड़े नगमे लिखे थे। उनके जाने से साहित्य की दुनिया को अपूर्णीय क्षति पहुँची है। दोस्तों, राहत इंदौरी का जन्म इंदौर में 1 जनवरी 1950 में कपड़ा मिल के कर्मचारी रफ्तुल्ला कुरैसी और मकबूल उन निशा बेगम के यहाँ हुआ था। ये चौथी संतान थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर से हुई। उन्होंने इस्लामिया क्रीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में स्नातक की और 1975 में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया और उसके बाद 1985 में मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में पीएचडी की। इसके बाद राहत इंदौरी जी ने शुरुआती दौर में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्यापन कार्य किया। उनके छात्र आज भी बताते कि वो बहुत अच्छे लेक्चरर थे, लेकिन इस बीच उन्होंने मुशायरों में जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि वो देश नहीं विदेशों में भी जाने लगे। उनकी अनमोल क्षमता, कड़ी लगन और शब्दों की कला की एक विशेष शैली थी जो उनके सुनने वालों पर जादू सा असर बिखेरती थी और इसलिए जल्द ही पूरी दुनिया के बीच लोकप्रिय हो गए। बहुत जल्द ही राहत साहब ने लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली। 3 से 4 साल के भीतर ही उनकी कविता की खुशबू ने उन्हें उर्दू साहित्य की दुनिया में प्रसिद्ध शायर बना दिया। वह न सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छे थे बल्कि वो खेल कूद में भी प्रवीण थे। प्रवीण क्या थे? एक्सपर्ट थे। वे स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान भी रहे, यानी वो काफी एक्टिव प्लेयर थे। वह केवल 19 वर्ष के थे जब उन्होंने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली शायरी सुनाई थी। राहत जी की दो बड़ी बहनें थी जिनके नाम तहजीब और तकरीब थे। एक बड़े भाई अकील और फिर एक छोटे भाई आदिल थे। परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। राहत जी को शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खर्चा चलाने के लिए उन्होंने शहर में एक शाइन बोर्ड चित्रकार के रूम में शुरुआत की, वो भी तब जब उनकी उम्र 10 साल से भी कम थी। यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चे को कमाने के लिए एक चित्रकार के रूम में काम करना पड़ा। हालांकि चित्रकारी में उनकी काफी रुचि थी और वो बहुत अच्छे चित्र बनाते थे और इसीलिए जल्दी ही उनका नाम काफी फेमस हो गया और वो इंदौर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकार बन गए, क्योंकि उनकी प्रतिभा असाधारण थी। उनका डिजाइन कौशल शानदार था, रंग भरना गजब था और उनकी कल्पना बेजोड़ थी और इसीलिए वो पूरे शहर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हो गए। और यही वजह था कि एक दौर वो भी था जब उनके ग्राहकों को उनके द्वारा चित्रित बोर्डों को पाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन फिर भी बनवाते राहत जी से थे। इंदौर की दुकानों पर तो आज भी उनके बनाए कई साइन बोर्ड मिल जाएंगे। दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने विलक्षण क्षमता के प्रतिभाशाली राहत जी आज हमारे बीच नहीं और बहुत जल्दी हम सबको छोड़कर चले गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।